अस्सलाम वालेकुम पीके बसी से, मैं हूँ बिलाल। कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था मोटरवे के ऊपर। आपने वीडियो भी देखी होगी हमारे चैनल के ऊपर कि एक जो बस है फैसल मोर की, वो जा रही थी अपनी लाइन में, सेकंड लाइन के अंदर। तो एक उसके आगे हाईएस्ट जा रही थी जिसका के जाते हुए टायर ब्रस्ट हुआ है और वो घूम के जो है वो बस के सामने आ गई है। उस बस के जो ड्राइवर थे मोहम्मद इरफान साहब, तो उन्होंने बहुत हिम्मत का मुजाहरा करते हुए जरा भी जो है ना उस चीज को सर पे सवार नहीं किया। नहीं तो बाज दफा हो जाता है कि ड्राइवर पजल हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी जो बस थी उसको जो है वो उसकी लाइन से हटाया, हाईएस की लाइन से साइड पे किया और उसको बचाया। और उसमें ये हो गया कि उसमें अगर वो ज्यादा हिट करती उसको, तो जाहिर सी बात है कि हाईएस का बहुत ज्यादा नुकसान होना था। तो उसके बारे में मेरे साथ मौजूद हैं इरफान, मोहम्मद इरफान साहब। तो उनसे ये जानते हैं कि ये क्या वाकया था और उस वक्त इनके क्या जो है ख्यालात थे या इनके दिमाग में क्या चीज़ थी और किस तरह इन्होंने अपने आप को कूल रखा। उसके अलावा इनसे भी जानते हैं कि इनका कितना एक्सपीरियंस है और ये कब से बस चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, जी कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं सर? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा इरफान भाई, मुझे पहले नंबर पे तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आप कब से बस चला रहे हैं और कितना आपको अरसा हो चुका है और फैसल मोर में कितना अरसा हो गया आपको? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बस तो 5 साल से चला रहा हूँ और फैसल मोवर में मुझे अभी 1.5 साल होने वाला है तकरीबन। तो मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा मुझे ना ड्राइवर ट्रेनिंग के हवाले से बता दें। एक तो वैसे भी लोग काफ़ी सवाल करते हैं कि ड्राइवर जो है वो किस तरह हायर करती है, फैसल मोवर जो कंपनी है वो जी किस तरह ड्राइवर हायर करती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। सर, फैसल मूवर, पहले तो फैसल मूवर में जॉब के लिए आपके पास HTVPSV लाइसेंस का होना लाजम है। उसके बाद आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो बस चलाने का, ठीक है। ठीक है? जब आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, CV आप जमा करवाएंगे, लाइसेंस का ऑनलाइन वेरिफिकेशन पेपर देंगे, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और थाने से क्लियर सर्टिफिकेट जो मिलता है कि आया ड्राइवर पे कोई FIR या ये वारदाती तो नहीं है। उसके बाद जनाब 1 महीना ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, फैसल मोर में बकायदा से उस 5 साल के तजर्बे वाले ड्राइवर को भी ट्रेनिंग दी जाती जी है? बिल्कुल, 1 महीना पूरा ट्रेनिंग होती है। पहला ठीक है, टेस्ट होता है हमारा, तो ठीक है। पहले टेस्ट के बाद जो सिलेक्ट होते हैं बंदे उनको 1 महीना ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में दीन से लेके दुनिया तक गाड़ी के रूल्स, अपना मोटरवे के रूल्स, गाड़ी की फिटनेस, हर एक चीज बताई जाती है ड्राइवर को। ठीक है। उसके बाद हमारा फाइनल टेस्ट होता है 1 महीने के बाद। फाइनल टेस्ट में जो सिलेक्ट होते हैं फिर उनको रूट सर्वे पे भेजा जाता है। यानी कि उसमें भी सिलेक्ट होते हैं जो कुछ जी जो नहीं है उसको जो पास नहीं कर होते पाता वो वो उसको चले फारिग कर जाते दिया हैं, जाता है। उनको ठीक है। निकाल दिया जाता है। रूट सर्वे पे हम लोग जाते हैं, रूट सर्वे पे हर ड्राइवर को तकरीबन एक पेपर दिया जाता है जिसपे हर एक चीज वो हमारी नोट करता है। नोट करके लिख के फिर हमारे इंचार्ज के पास जाती है, फिर हमारा इंटरव्यू होता है, उसके बाद हमें गाड़ी दी जाती है। ठीक हो गया, तकरीबन ये प्रोसेस हमारा 45 डेज का होता है, 45 दिन ठीक का। हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपने वो जो आपकी एक वीडियो भी हमने देखी, तो उस दिन क्या वाकया हुआ था? भाई वो आपको सामने वीडियो में नजर आ रहा है, वीडियो भी आपने माशाल्लाह चलाई है अपने चैनल पे। हाईएस्ट जा रही है फर्स्ट ट्रैक में, ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेकंड ट्रैक में। ठीक है। सेकंड ट्रैक में मैं अभी उसको ओवरटेक करने ही वाला था कि सामने उसका टायर ब्रेस्ट हो गया। ठीक है। मेरे पास टोटल 3 सेकंड थे। पहला सेकंड तो मैं कंफ्यूज इस वजह से हुआ क्योंकि हाईएस्ट का जब टायर फटा है ना, ब्रेस्ट हुआ है, उसने हल्की सी गाड़ी आपने वीडियो में देखी होगी वो लेफ्ट साइड पे करता है, तो मैं ये समझा कि वो उस साइड पे जा रहा है। ऐसे ही है। अगले सेकंड में मैं वापस घूम के आया, मेरे बिल्कुल फ्रंट पे, यहाँ कैमरे तक वो आ गया था, वीडियो में नजर आ रहा होगा आपको। तो 1 सेकंड था मेरे पास, 1 सेकंड पे मैंने गाड़ी घुमाई है। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे भी बचा लिया, मेरे पैसेंजर को भी बचा लिया और उन लोगों को भी बचा लिया। अच्छा, अगर मेरी गाड़ी उनको हिट होती, यकीन करें बहुत बड़ा हादसा होना था, क्योंकि 16 से 17 बंदे तो उसमें भी होंगे, बिल्कुल 42 बंदे जो 42 पैसेंजर जो थे मेरे समेत मेरी गाड़ी में मौजूद थे। ठीक है। तो ये सब मेरे अल्लाह का करम हुआ है, मेरा कोई कमाल नहीं है। बस ये है कि जब भी सीट पे बैठता हूँ अल्लाह रसूल को याद करके, आयतुल कुर्सी, दरूद शरीफ, जो मतलब उस टाइम मैं पढ़ सकता हूँ पढ़ के बैठता हूँ, और अपने अम्मी अबू मुझ पे राजी हैं, मेरे ख्याल में तो उन्हीं की दुआएं हैं।
बिल्कुल ऐसे ही सही हो गया। तो उसके बाद फिर आपको वही इनाम वगैरह भी दिया गया था कंपनी की तरफ से? कंपनी ने बहुत बड़ा मतलब एजाज दिया है मुझे। ये 14 अगस्त के बाद उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। सर नुमान साहब थे, सर इफ्तिखार खटक साहब थे, बाकी हमारी मैनेजमेंट जितनी भी थी, उन्होंने मेरी इज्जत अफजाई की। जो मतलब यकीनन मैं बहुत खुशी हुई मुझे ये चीज जो कंपनी ने मुझे एजाज दिया है। सही हो गया। अच्छा मुझे ऐसा नाम मिला मुझे। मेरी गुजारिश है ड्राइवर साहिबान से, जितने भी मेरे ड्राइवर पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनसे यही गुजारिश है अपने अल्लाह और उसके रसूल को याद करके बैठें, आयतुल कुर्सी पढ़ के बैठें, दुरूद शरीफ कलमा जो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं आसानी से वो पढ़ के अपने आप को अल्लाह के सपुर्द करें। और रही बात इस वीडियो की, मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, हम जब सफर शुरू करते हैं तो हम यही कहते हैं सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन, पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसखर किया, बेशक हम इस पे काबू पाने वाले ना थे और बेशक हमने अपने रब की तरफ ही वापस लौट के जाना है। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस कौम की दुआएं और जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, कमेंट किए, बहुत ही अच्छे कमेंट, मेरी बहुत अच्छी हौसला अफजाई हुई आपके चैनल की वजह से, जिसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। खुश रहें सर आप। बहुत शुक्रिया। इरफान भाई थे हमारे साथ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।